بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد मोहतरम बुजुर्गो अजीज दोस्तों, मुफिक मेहरबान बुजुर्गो और हाजरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम। ये बात कहना या इसकी तशरीह करना मौजूदा तरक्याफ्ता दौर में एक जायद बात नजर आती है, लेकिन तारीख के हवाले से अगर तारुफ ना हो तो तारुफ के बगैर जो चीज मौजूद है उसकी मौजूदगी भी एक इल्यूजन मालूम होती है। इस मेरे पेशे नजर जमीन व आसमान, जमीन व आसमान के अंदर मखलूकात, मखलूकात में हैवानात, जमादात और तमाम वो अशिया जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं और हम उनको वसाइल में इस्तेमाल करते हैं, जिंदगी क्या है? पैदाइश के बाद से जिंदगी जिस नहज पर चल रही है वो छोटा सा बच्चा होता है, अक्लो शऊर उसमें होता है लेकिन जाहिर नहीं होता, हरकत उसके अंदर होती है लेकिन वो चलता फिरता नहीं है। भूख उसे लगती है, प्यास उसे लगती है, वो जब इजहार करता है तो उस इजहार में जो जुबान इस्तेमाल होती है वो माँ समझती है और इस माँ यानी मादरी जुबान पर उसकी पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी महदूद है। अगर उस बच्चे को मालूम ना हो कि वाटर को पानी कहते हैं, ये पानी को माँ कहते हैं, ये कोई और नाम रखते हैं, तो बच्चे को पानी का तारुफ हासिल नहीं होगा। इसी तरह जिंदगी के तमाम तकाजे अगर मौजूद ना हो तो मौत और हयात दोनों सवालिया निशान बन जाएंगे। हयात
और मौत, इसको आसान लफ्जों में इस तरह बयान किया जा सकता है, हरकत और सुकूत। कोई चीज बिल्कुल खामोश है, हिलना जुलना उसमें नहीं है, जज्बात का इजहार करने का उसको कोई तरीका नहीं याद है। बच्चे अगर रोते हैं तो रोने में ये कहीं हमें नहीं मिलता कि प्यास लग रही है, खाना खाने की जरूरत है, कान में दर्द है, ये कहाँ, ये हमारे अंदर यानी माँ और बेटे का जो रिश्ता है वो ऐसी जुबान है जिसको माँ समझ लेती है। इसके कान में दर्द हो रहा है, इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसको कोई तकलीफ है वगैरह वगैरह, उस तकलीफ का इजादा भी मौजूद है, वो इजादा भी किया जाता है और नतीजे में वो तकलीफ खत्म हो जाती है। बच्चा कई महीने तक तो देख ही नहीं सकता और तकरीबन एक साल तक वो बात पूरी तरह बात नहीं करता, मादरी जुबान नहीं बोलता, कोई जुबान नहीं बोलता, बतदरीज बतदरीज माहौल में जो कुछ राज है पहले बच्चा मानूस होता है, फिर उसको समझे बगैर तस्लीम करता है और तस्लीम करने के बाद उसकी जिंदगी का एक जुज बन जाता है जिसको हम बोलना, अब बोलने के साथ सोचना, सोचने के साथ कहीं उसका रिकॉर्ड होना वगैरह वगैरह। एक दिन का बच्चा जब 5 दिन का होता है हमें नहीं मालूम कि 5 दिन किधर गए, 5 दिन के बाद वो 5 साल का हो जाता है। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसको यकीनन बयान किया जाए कि बच्चा 5 साल का है। ये 5 साल 2 दिन 1 दिन या 80 साल जिस बेल्ट पर चल रहे हैं यानी जाहिर और गैब हो रहे हैं वो हर मखलूक के अंदर मौजूद है। अब उसका हमने नाम वहम रखा, ख्याल रखा, तसव्वुर रखा, मुजाहरा रखा, फिर महसूसात का नंबर आया, उसको हमने महसूस किया, हाथ पैरों में ऐसी अल्लाह ताला ने करंट पैदा किया, ऐसा करंट पैदा किया कि इस बात को पहचाना गया कि ये लोहा है, ये लकड़ी है, ये मिट्टी है। ये सब जिंदगी के वो लवाजमात हैं और जिंदगी के वो इक्वेशन है जिसके बगैर जिंदगी की किसी भी तरह हम तारीफ नहीं कर सकते। जब तारीफ होगी तो तमाम चीजें जेरे बहस आएंगी। उसके बाद जब ये चीजें हमें नजर आती है कि अब ये काम नहीं कर रही, अब हम क्या देखते, एक एक तस्वीर देखते हैं,
उसकी आंखें भी होती हैं, उसके अंदर समाध भी होती है, यानी सुनना, उसके अंदर अक्लो फहम भी होती है, यानी उसके अंदर वो सब कुछ होता है जो हमें आदमी के अंदर, गाय के अंदर, भैंस के अंदर, दरख्तों के अंदर नजर आता है। जब आप समाध का जिक्र करते हैं तो आवाज की लहरें, आवाज की लहरें हमारे कानों तक पहुंचती हैं, वो हमें नजर नहीं आती, वो हमें नजर नहीं आती, लेकिन उन लहरों के मद्दोजहर से, घटने बढ़ने से हमें ये मफहूम मिलता है कि इस बात का ये मतलब है। उसकी मिसाल यह है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती और मैं मगरबी ममालिक में चला जाऊं और लोग अंग्रेजी बोलेंगे तो मुझे बिल्कुल आवाज तो आएगी लेकिन लफ्ज मेरे कान में नहीं बनेंगे, आवाज होगी। और जब तक लफ्ज, यानी आप जो कुछ कहना चाहते हैं उसका वो जिस्मानी वजूद ना बने, आप आवाज को नहीं पहचान सकते। मसलन आप कहते हैं पानी, दूसरा आदमी कहता है वाटर, वाटर कहने वाला पानी को नहीं समझता, पानी कहने वाला वाटर को नहीं समझता, दोनों के सामने अलग अलग कोई चीज आप रखे तो अंग्रेजी बोलने वाला वाटर कहेगा और उर्दू बोलने वाला पानी कहेगा। ये एक शनाख्त हुई सिर्फ बोलना, यानी हमारी माँ ने पानी बोला बार 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 हजारों मरतबा तो बच्चे को याद हो गया कि इसको पानी कहते हैं। इसी तरह हर जुबान का यही मफहूम बनता है कि उसको बार 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 रिपीट किया जाता है। अगर वो रिपीट ना सुना जाए तो मफहूम वाज़े नहीं होता। एक मजमून निगार मजमून लिखता है, कहानी लिखता है, हिकायत लिखता है या कोई ड्रामा लिखता है, जब वो लिखने बैठता है तो ड्रामे का ये कहानी का कोई एक किरदार उसके जहन में होता कि मुझे इस पूरी तहरीर का खुलासा ये करना है कि ये ट्रेजिडी है, ये कॉमेडी है। नतीजे में जो देखने वाले देखते हैं, जो सुनते हैं वो यही कहते हैं, जो ट्रेजिडी आएगी वो रोने लगते हैं, आंसू बहते हैं, और जब कॉमेडी आती है वो हंसते हैं, हंसते हंसते पेट पकड़ लेते हैं। सवाल ये है कि आप किस बात पर हंसे। अगर वो लफ्ज आपके जहन में जब किया और उसका मफहूम आपके जहन में ये नहीं आया कि ये रोने की बात है और आपके जहन में ये नहीं आया ये हंसने की बात है, तो ना आप हंसेंगे ना आप रोएंगे। अंग्रेजी की, हिंदी की, किसी भी जुबान की मिसाल आपके सामने। अब ये मैंने तमीज बयान की है, हमें ये सोचना है, ये जो एक वास्तविकी निजाम जो हमारी नजरों से ओझल है वो क्या है
और हम उसको किस तरह कबूल करते हैं। मुख्तसर मैं अर्ज कर रहा हूँ बात को, ये आदमी जवान होता है, मैं आप कोई जवान होता है, तो जवानी के जो ख्यालात हमारे जहन में गर्दिश करते हैं, क्या उन ख्यालात की तस्वीर बने बगैर जहन में आप कोई बात समझ सकते हैं, हंस सकते हैं, रो सकते हैं, बोर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन अगर वो अल्फाज के माने माने आप समझे हैं तो आप रोएंगे भी, हंसेंगे भी, तारीफ भी करेंगे, बुराई भी करेंगे। हम तारीफ करते हैं हम आदमी की और इंसान की। हमारे यहाँ अक्सरियत पूरी दुनिया में इंसान और आदमी वो एक ही समझा जाता है। इसलिए जब आदमी को कल तज्जिया करते हैं उसकी जिंदगी का और साथ में जानवर को भी देखते हैं, तो तमाम वो तकाजे जो एक कुत्ते में बिल्ली में मौजूद है वो आदमी में भी मौजूद है, और आदमी उनके बगैर जिंदा रह ही नहीं सकता। दूसरा मसला ये है कि हम हमारे अंदर दो शऊर हर वक्त काम करते हैं। एक शऊर पावर हाउस से लहरें निकलने का अमल है, दूसरा वजूद जो भी जराए आप इख्तियार करें उन जराए से वो बिजली के करंट ने अपना मुजाहरा करना होता है। अब इसका मतलब ये है हर शय अव्वल आखिर दो रुखों पर कायम है, अव्वल पैदाइश और पैदाइश से 25 साल 80 साल बिल्कुल गायब हो जाना, जिसको हम किसी भी तरह बयान नहीं कर सकते। अब ये जवान हो गया, अब ये बूढ़ा हो गया, अब ये इतने साल का हो गया, ये कभी भी इससे कोई आदमी मुतमईन नहीं हो सकता। सवाल ये कि जवान कैसे हो गया, क्या इसके अंदर तब्दीलियाँ आई? तो तब्दीलियाँ जो जाहिर है वो तो आप बयान कर देंगे, लेकिन तब्दीली का जो मैकेनिज्म है वो बयान करना वो कर सकते हैं जिनको पता हो। अब हम नास को तो पता नहीं, वो तो कहते हैं पैदा हुए, अरे भाई तो पैदा हुआ कहीं थे, कहीं से तो आए, मर गए भाई, मर गए यहाँ से, मरे कहीं और चले गए, वहाँ से मरे यहाँ आ गए, क्या चीज़ आ गई, क्या चीज़ चली गई? ये एक इल्म है जो अल्लाह ताला ने अपने मखलूक में आदम को और जिन्नात को मुंतकिल किया, और इसकी बुनियाद इस बात पर रखी गई जो चीज़ हिलाक करने वाली है वही चीज आपको जिंदगी बख्शने वाली है। अब असल बात यह कि ये सिफात हमें कहाँ नजर आती है, आदमी में। लेकिन आदमी की तारीफ नहीं है, इसलिए आदमी लोग को अल्लाह ताला कहते हैं नाकाबिल तज़किरा शहर, सुरांग बदबू कीचड़ चिपचिपाता गारा। तो ये सब जो इंजाम है ये आदमी जो है ना वो समझता है, और उसके समझने के लिए दूसरी एक एजेंसी है कि आदमी का एक फिजिकल बॉडी है, एक फिजिकल बॉडी है,
एक उस फिजिकल बॉडी को चलाने के लिए पावर है, वो पावर जो है हमारे अंदर रूह है, और रूहानी उलूम हासिल करने के लिए आसमानी किताबों में पूरी डिटेल मौजूद है। आखिरी बात यह है कि ये इल्म हमें कहाँ से मिला? ये इल्म हमारा विरसा है, हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिखाया, और बहसित औलाद के हम उसके वारिस हैं। सुचला आजमिया ने इस बात का एहतमाम किया कि कुछ लोग जमा हो बिला तख्तीस मजहब मिलत, उनको वो इल्म सिखाया जाए, कि उनको उस इल्म की निशानदेही की जाए उनके सामने, जो बराह रास्त इल्म का सोर्स है। और अल्लाह ने उस सोर्स को आदम के अंदर मुंतकिल किया है। हमें तलाश करना है इंसान, इंसान, और इंसान जो है वो जब तक हम अपने इनर से, अपने अंदर से, अपनी रूह से वाकिफ नहीं होंगे, हम आदम की, आदम के विरसे के हर विज काबिल नहीं होंगे। इसी उन्मान से अल्लाह के दी हुई तौफीक के साथ, बुजुर्गों की दुआओं के साथ हमने एक सिलसिला शुरू किया है आदम देव, इसलिए कि हर आदमी की बेस आदम है, हर आदमी की बेस हव्वा है। जो कुछ हमें मिला, अगर वो उलूम जो अल्लाह ताला ने आदम को सिखाए, वल्लमा आदम रस्मा कुल्ला, और वो उलूम जो अल्लाह ताला ने सिखाया कि ये अल्लाह को पसंद नहीं है, ये शैतानी अमल है, उसमें इम्तियाज हो, और हम कोशिश करें कि वो उलूम जिसमें राहत है, आराम है, जन्नत है, वो सीखें। इस इल्म की जो दरसगाह है उसका नाम आदम दे है, और उसमें मज़मू मिलत के इश्तराक के बगैर सबके सामने हम ये बात रखते हैं कि हम सब काले गोरे सब आपस में बहन भाई हैं, और हमारी जो असल है अब्बा आदम अम्मा हव्वा है। अब्बा आदम और अम्मा हव्वा का इम्तियाज ये है, वो अल्लाह के नायब खलीफा और अल्लाह की तरफ से दिए हुए इख्तियारात के अमीन है। और आदम की औलाद का मतलब ये है कि आदम की औलाद में आदम के वस्फ मुंतकिल होता है, और इब्न आदम होने की बुनियाद पर हम सब का विरसा, हम सब का असल इल्म ये है कि हम आदमी का चोला उतार के इंसान को समझें। वाल्लमा आदम अस्मा कुल्ला, फरिश्तों के सामने बयान किया, फरिश्तों का हमें इल्म नहीं आता। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, और हम सबको एक एक कुनबा, एक बिरादरी बनने की तौफीक अता फरमाए। वो ये कि हमारा खालिक और मालिक अल्लाह है, आदम व हव्वा के अलावा कोई हमारा जद्द अमजद नहीं है। माशाल्लाह बहुत रौनक है, दूर दराज से लोग आए हैं, दूसरे ममालिक से भी आए हैं, मेहमान खसूसी भी आए हैं। बहुत आपका शुक्रिया, और कोशिश ये है सिलसिला अज़ीमिया की कि ऐसा पैगाम जारी हो जाए सब जगह कि आदम हव्वा रिश्ते में सब एक। अस्सलामु अलैकुम।